हेलो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? फाइन, कैसे हो आप सब लोग? यार ये मुझे लगता है एकदम बढ़िया हो गया यार। आप भी, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। यार मैं हूँ इस टाइम नीमका थाना में, यहाँ पे इस टाइम बादल ही बादल हो रहे हैं और मैं इस टाइम गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हमारी जो पुरानी गाड़ी है, बहुत ही बहुत बहुत ही पुरानी गाड़ी है यार, मैं आपको बता नहीं सकता, यानी खटारा हो रखी है एकदम से। उसमें बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मज़े ले रहा हूँ चाय वाय के, सब कुछ के। ये देखो यार, गाड़ी खटारा पड़ी है, खटारा पड़ी हुई है गाड़ी यार। इसको सुधराना है, इसको सही कराएंगे, ठीक कराएंगे, फिर इसको चलाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ठीक हुई नहीं है ये और इसे टाइम लगेगा। पता नहीं चूहे वगैरह ने तार वार काट दिए या इंजन जाम हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसको चेक करवाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया इसे, मीन्स 2 साल तो हो गई होंगी लगभग, लगता है मेरे को जहाँ तक। जाम हो रखी है, वैसे जाम हो रखी है और तार वार भी काट दिए। तारों के बारे में पूछा था मैंने मैकेनिक से, तो उसने बोला था 1700 का खर्चा आएगा तुम्हारा। तो बुलाते हैं मैकेनिक को वगैरह को, फिर उससे बात करते हैं कि कितना क्या खर्चा आएगा, उसी से पता चलेगा ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मेरे पीछे देख सकते हो यार आप, सारी सीटें ख़राब हो रखी हैं, सब चीज़ें ख़राबें हो रखी हैं यहाँ पे। ये जैन गाड़ी है, सुजुकी की, काफ़ी टाइम में हमने ली थी, चंडीगढ़ में ली थी ये गाड़ी। उस टाइम 5-6 साल पहले, 5-6 साल तो नहीं, मिनिमम 10 साल पहले ली थी। तो अब तो इसका टाइम आउट हो गया, वैसे भी कागज़ वगैरह भी ख़राब हो गए होंगे। अब तो इसे हाईवे पे ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी हाईवे पे ले गए तो पकड़ लेंगे इसको, कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको ऐसे सही कराने का। यहाँ पे सही, घर पे सही है कि गाड़ी वगैरह सीख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से छोटे भाई बहन सीख लेंगे सारे, आराम से आराम से। इस वजह से इसको थोड़ा ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि इससे सही और कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने एक जो क्रेटा गाड़ी भी ली है, जो पापा जी के पास में है, पापा जी अभी लेके गए हैं उसे, मॉम और डैड दोनों बैठ के गए हैं उसी में। तो वो उन्होंने अपने हमने ली थी वो। अब ये इसे मैं बाहर से बाद में दिखाऊंगा, बाकी अभी थोड़ा मैं और कुछ कर लेता हूँ। आप सब देख सकते हो ये यार, ये गाड़ी कितनी पुरानी है, कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी है यार, ये बहुत ही ज़्यादा। वैसे न्यू लग रही है, मेरे भाई ने एक्सीडेंट वगैरह कर दिया था इसका एक बार, तब से ये इसको ठीक रहा था। तो पर इसके दरवाजे वगैरह है ना, सारे के सारे ख़राब है, देखो सारे के सारे ख़राब हुए हैं, पड़े हैं ऊपर, देखो कितनी धूल वगैरह जमी हुई है, शायद आपको दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, पर नहीं है इसका भी। और ये देखो यहाँ पे बोनट वगैरह सारा का सारा गंदा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा रखा है। इसको सुधरवाना पड़ेगा यार वैसे भी। ये हमारी चैन गाड़ी है, इसको ठीक करवाने के लिए। यार मन तो कर रहा है अब चाय पी वगैरह पी लेते हैं, तो चाय बना रहा हूँ यार, लेना चाय वगैरह बना रहा हूँ। बाहर भी सर्दी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, बाहर जाने का मूड तो करता नहीं है। हवा वगैरह चल रही है यार, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, डेली का रूटीन हो गया कि अब तो हवा चल रही है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद तो कम हो जाती है सर्दी वगैरह, तो इस बार तो कम तो हुई नहीं है, इस बार ज़्यादा और हो गई। उठते देखो तो धुंध वगैरह हो जाती है, धुंध छाई रहती है हमेशा, 7-8 दिन हो गए लगातार धुंध आ रही है, लगातार ही धुंध आ रही है वैसे।